नगर निगम भिलाई के प्लेसमेंट और नियमित कर्मचारियों ने एक बार फिर अपने वेतन को लेकर विरोध जताना शुरू किया है। सोमवार से नियमित और प्लेसमेंट कर्मचारियों ने काला फीता लगाकर अपना कार्य किया और एक हफ्ते के भीतर वेतन नहीं मिलने की स्थिति में सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी। नगर पालिक निगम भिलाई के सफाई कर्मियों ने बीते 4 दिनों पहले धरना प्रदर्शन कर अपने 3 माह के वेतन को देने की मांग की थी और आज 4 दिन बाद निगम भिलाई के नियमित कर्मचारी भी अपने वेतन को लेकर जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। सोमवार से सभी कर्मचारियों ने काला फीता लगाकर अपने अपने कार्यों को बखूबी अंजाम देना शुरू कर दिया है और बताया है कि अगर एक हफ्ते के भीतर वेतन नहीं दिया जाता है तो निगम के कर्मचारी सामूहिक रूप से अवकाश पर चले जाएंगे और निगम मुख्यालय की गेट पर बैठ जाएंगे। सोमवार को निगम मुख्यालय के विभागों में कार्यरत कर्मचारियों ने वेतन न मिलने का आक्रोश जताते हुए काला फीता लगाकर कार्य किया। निगम भिलाई की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं क्योंकि निगम भिलाई के कोष में वेतन देने के लिए पैसे अब नहीं बचे हैं। ऐसी स्थिति में श्रमिक नेता संजय शर्मा ने साफ कर दिया है कि अगर वेतन नहीं दिया जाता है तो काम भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा और अपना वेतन पाने के लिए वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मैंने पूर्व में भी अपने वक्तव्यों में जब जब चौथे स्तंभ ने बैठ लिया है मैंने ये बताया है कि मिसमैनेजमेंट सरकार का जो है प्रदेश सरकार का मिसमैनेजमेंट है। आज किसी भी प्रकार की जो वसूली है स्थानीय सरकारें जो वसूली करती हैं नगर निगम तालाब हैं ठेके हैं और चुंगी क्षतिपूर्ति से जो आय है जो प्लाट बेच करके और भूभाटक का जो फ्री होल्ड करके जो आय आ रही है सबको आप संरक्षित करते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे आदेश आ रहे हैं जिसमें हम वसूली तो कर सकते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सकते। इस प्रकार से बहुत सारी अनियमितताएं हैं जिसकी वजह से आज 2 महीने से हम लोगों को दिसंबर और जनवरी 2 माह का क्लास 4 से लेकर क्लास 1 तक किसी भी कर्मचारी को कोई पैसा नहीं मिला और ये लगातार 3रा महीना है। पूरा फरवरी ख़त्म होने को है अभी भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है। अनेकों बार संघ ने पत्र दिया ये स्थिति है। अब हमारी बैठक हुई है हमने एक बैठक बुलाई थी और बैठक बुला के प्रजातांत्रिक ढंग से हम कमिश्नर को हमने पत्र दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को नगरीय निकाय सचिव को डायरेक्टर को कलेक्टर साहब को और नगरीय निकाय मंत्री को सभी को पत्र से अवगत कराया कि 7 तारीख से लेके 10 तारीख तक के पूरा मंगलवार से लेके शुक्रवार तक हमारा काली पट्टी लगा के पूरे क्लास 4 से लेके क्लास 1 तक के सारे 5ों जोन में जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं और जो हमारे मुख्य कार्यालय में हैं सभी लोग जो है काला फीता लगा करके अपना विरोध दर्ज करेंगे। फिर उसके बाद में एक दिन का हम लोग मंडे को सैटरडे संडे छुट्टी है मंडे को एक दिन का स्टे देके रोक करके देखेंगे प्रशासन क्या कर रहा है। उसके बाद 2 दिन का जो है मंगलवार बुधवार को फिर CL आकस्मिक ऑफर लेके गेट के बाहर बैठेंगे और नारेबाजी धरना प्रदर्शन करेंगे। ये हमारा एक अभियान तय हुआ है। 2 माह पूर्व भी निगम भिलाई के समक्ष ऐसी ही समस्या उत्पन्न हुई थी पर उस समय आनंद फानंद में कर्मचारियों को 1-1 माह का वेतन देकर शांत किया गया था। पर अब ऐसी संभावनाएं भी नजर आ रही हैं कि वेतन न मिलने से जहां एक ओर सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है तो वहीं आने वाले समय में नियमित कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से इसका खामियाजा आम जनता के साथ साथ नगर पालिक निगम भिलाई को भी भुगतना पड़ सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए प्रवीण मिर्जे के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट।